हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एनकेडमी। और डिस्कस करते हैं लेटेस्ट हायरिंग्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली हायरिंग, विच इज फ्रॉम इन4। इन4 की जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी है वो आपकी .NET डेवलपर के लिए होने वाली है। ओके, सो बेसिकली अगर आपके पास .NET से रिलेटेड स्किल्स हैं तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद यहाँ पर लोकेशन होने वाला है। रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ .NET वेब फ्रेमवर्क। सो .NET की आपको डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए। C# SQL की नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्किल्स यू शुड हैव एंड SQL की आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो मिनी फ्रेंड्स आपका क्या होगा, .NET या जावा की अगर आपके पास नॉलेज तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको लाइक एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट सभी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो इन4 में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एडवांस स्किल्स तो आपके स्किल के बेसिस पे यहाँ पर शॉर्ट टेस्टिंग होने वाली। ओके, सो इन4 में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जो फीवो की रिमोटली बेसिस यानी कि वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी आपकी होने वाली है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्न। ओके, 12 के आपका स्टाइपेंड मिलेगा। इमीडिएटली बेसिस पे आपकी हायरिंग होने वाली है। नेक्स्ट जीएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड फायरबेस की आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। सो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और हायरिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, जो आपकी अरिस्टा नेटवर्क की तरफ से होने वाली है। दे आर हायरिंग फॉर जूनियर आईटी एप्लीकेशन इंजीनियर। ये काफी अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है गाइस, जो कि आपके पुणे यहाँ पर लोकेशन होने वाला है। काफी रिसेंट अपॉर्चुनिटी है। एंड एज अ जूनियर आईटी एप्लीकेशन इंजीनियर आप काम करने वाले हैं। कंपनी भी काफी अच्छी है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। सो रीसेंट बीटेक आईटी ग्रेजुएट। सो आपके जो रीसेंट ग्रेजुएट है वो यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। विद स्पेशलाइजेशन आर कोर्स वाइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एनालिटिक्स और रिलेटेड फील्ड में आपके पास यहाँ पे स्किल्स होना चाहिए। एंड यू शुड हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट और इनटू टेक्निकल सॉल्यूशन। ओके, सो दैट टेक्निकल इंजीनियर आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। सो रिलेवेंट स्किल्स अगर आपके पास है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हायरिंग पे हम मूव करते हैं गाइस, जो आपकी AI पैलेट की तरफ से होने वाले। दे आर हायरिंग फॉर डेटा साइंस इंटर्न। एंड यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है? सो पर्सुइंग बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, स्टेट, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फील्ड। सो जिनकी स्टूडेंट की डिग्री चल रही है लाइक 25 बैच, 24 एंड 26 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एज अ डेटा साइंस इंटर्न। इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स है जैसे कि पाइथन, नंपाई, पांडास एंड टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। पाइथन यहाँ पे मेन प्रेफरेंस आपका होगा। सो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करते हैं, आपकी एल्गो हायर की तरफ से होने वाली। एल्गो हायर टेक्नोलॉजी की जो हायरिंग है आपकी फुल स्टैक डेवलपर के लिए होने वाली है, जिसमें आपके पास रिक्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट, डॉम मैनिपुलेशन, रिएक्ट जेएस, फ्लक्स, रेडक्स, एक्सप्रेस जेएस। सो जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो सही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मांगी गई हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके, टेक्निकल स्किल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए लाइक वर्जनिंग टूल सच एज गिट, गिटहब की आपको नॉलेज होना चाहिए। हैदराबाद आपके आप यहाँ पे लोकेशन होने वाला है। सो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयरिंग के बारे में बात करते हैं, जो आपकी वर्टेक्स प्लस की तरफ से होने वाले है। यहाँ पे आपको करना क्या गाइस, यहाँ पे एज अ ट्रेनी QA आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो दे आर हायरिंग फॉर ट्रेनी एंड क्वालिटी एनालिस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस में आपका यहाँ पे काम होने वाला है। सिंपली इस वाली एप्लीकेशन को आपको फिल कर देना है, बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है। सो वर्टेक्स प्लस में एज अ फ्रेशर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं एज अ QA ट्रेनी। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं गाइस, जो कि आपकी जेटा की हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, विच इज फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे 4 से 5 साल कुछ भी नहीं है, एक लाइक 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बिल्डिंग एंटरप्राइज सिस्टम, बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 1+ एक्सपीरियंस। ओके, सो जेटा की जो हायरिंग है वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की होने वाली है एज अ SD1। एंड जेटा मोस्टली फ्रेशर्स को हायर करती है, बट अगर आपके पास एडवांस स्किल्स या फिर इंटर्नशिप वगैरह है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड DSA वगैरह की अगर आपके पास नॉलेज तो आपका यहाँ पर चांस बन सकता है। सो रिलेशनल डेटाबेस, NoSQL, प्रोग्रामिंग स्किल्स, AWS, क्लाउड वगैरह की आपको नॉलेज, और जेटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। जेटा की एप्लीकेशन फिर से ओपन हो चुकी है, सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने लेटेस्ट हायरिंग्स के बारे में बात की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोज में हम और भी हायरिंग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।